योगी सरकार ने साल 2012 के बाद यूपी लोक सेवा आयोग से हुई पीसीएस भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की बात विधानसभा में कहकर सबको सकते में ला दिया है। मुख्यमंत्री बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान बोल रहे थे। हालांकि इससे पहले भी अखिलेश सरकार के दौरान पीसीएस भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग उठी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी थी। यूपी पीसीएस की 2012 से अब तक की सभी नियुक्तियों की हम सीबीआई से जांच कराने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय किया है और इसीलिए इसकी जांच होगी। आपको बता दें कि अखिलेश सरकार के दौरान लोक सेवा आयोग पर भ्रष्टाचार और धांधली के कई आरोप लगे। एक ही वर्ग और जाति के लोगों का पीसीएस में चयन होना सवालों में रहा। इतना ही नहीं, साल 2015 की पीसीएस परीक्षा के पेपर लीक होना अखिलेश सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर गया था। तत्कालीन लोक सेवा आयोग अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति पर भी अखिलेश यादव पर सवाल खड़े हुए, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद अब पहली बार लोक सेवा आयोग और पीसीएस भर्तियों की सीबीआई जांच की बात सामने आई। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। आदरणीय बहन कुमारी मालती जी के मुख्यमंत्रित्व काल में पुलिस के 2.5 लाख पद स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 40,000 की पहली जो भर्ती हुई थी, पूरे भारत में उतनी पारदर्शी भर्ती आज तक पुलिस की कभी नहीं हुई। हालांकि तत्कालीन सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने भर्तियों की सीबीआई से जांच की बात को खारिज नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हमें डराने के लिए ये पैतरे किए जा रहे हैं। क्यों है, कौन रोका है उनको, कौन रोका है उनको? ये क्यों कहते हो कि जांच कराएंगे? हम लोग जनता से उनका मठ का सब जांच कराने लगे तो इनके मंत्रियों और विधायकों के आज तक कारनामे हैं, उनको जांच कराने लगे तो हम लोग भी कराएंगे जांच इसी 4 महीने की। सीबीआई जांच की बात सामने रखकर योगी सरकार ने उन छात्रों को राहत दी जो लगातार भ्रष्टाचार की बात कहकर जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन इतना तो तय है कि जांच हुई तो पिछली सरकार के कई सफेदपोश बेनकाब हो जाएंगे। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन लखनऊ।